आज दंतेवाड़ा जिले में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने 167 करोड़ 21 लाख रुपए की विकास योजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। यह योजनाएं जिले के विभिन्न क्षेत्रों में विकास को नई दिशा देंगी। दंतेवाड़ा के विकास के इस नए अध्याय में शासकीय उपाधि महाविद्यालय में 100 सीटर कन्या छात्रावास भवन के निर्माण से लेकर दंतेवाड़ा में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और 500 सीटर आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण तक के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने बूढ़ा तालाब बारसूर में सौंदर्यीकरण कार्य, शंखनी डंकनी नदी तट पर घाट निर्माण और कटे कल्याण में एनीकट निर्माण सहित कई अन्य कार्यों का लोकार्पण किया, जो क्षेत्र के विकास और पर्यटकों को आकर्षित करने में सहायक होंगे। भूमि पूजन के अंतर्गत किरंदुल के आस्था विद्या मंदिर के लिए भवन निर्माण, छात्रावास और अन्य सुविधाओं का निर्माण, आदिवासी कन्या छात्रावासों के निर्माण और कई बुनियादी ढांचे के कार्य भी शुरू किए गए हैं। इन विकास योजनाओं से शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन जैसे क्षेत्रों में बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, जो जिले के निवासियों के जीवन स्तर को और बेहतर बनाएंगी। इस मौके पर छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, वन मंत्री श्री केदार कश्यप और अन्य प्रमुख अधिकारी भी उपस्थित थे, जिन्होंने इन विकास कार्यों के महत्व को रेखांकित किया। ये विकास कार्य न सिर्फ दंतेवाड़ा जिले को विकास की राह पर आगे ले जाएंगे, बल्कि यहाँ के बच्चों, महिलाओं और युवाओं के लिए नए अवसर भी प्रदान करेंगे। कानून व्यवस्था अच्छी है और तत्काल सरकार कार्रवाई कर रही है। जो भी अपराधी हैं तत्काल सरकार कार्रवाई कर रही है और हम समझते हैं कि पिछली सरकार में पत्रकारों के साथ बहुत ज्यादती हुई। आप सब लोग उसके मतलब साक्षी हैं, अनुभवी हैं और विकास तेजी से हो रहा है 9 महीने में। और जो हमारे संवेदनशील जिले हैं बस्तर के 5 जिले, वहां भी हम लोग लगातार नियर निलानार के माध्यम से सरकार की योजनाओं को पहुंचा रहे हैं और मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई भी लड़ रहे हैं और वहां शांति व्यवस्था कायम हो रही है।